नहीं एक्टिवेशन। तो तू हमेशा चोटे ना खाया कर, तो मैं हमेशा इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी तेरे को हमेशा इंजेक्शन लगवाने लाना पड़ता है, मेरी गलती थोड़ी है उसमें। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अंदर एंटर करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। सो दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉग, अंदर चलते हैं और अपना काम करते हैं फटाफट। तो दिन सर से मिलना वो भी अवेलेबल नहीं है, 10-15 मिनट वेट करने को बोला, तो गर्मी में इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है और आज ही करवाना है। पता नहीं देखते कब तक आएंगे, फिर आके जाते हैं, आगे काम करते हैं। दिस इज़ द कैंटीन जहाँ हम घंटों घंटों बैठा करते थे। जो बैठे बैठे 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने सर को दोबारा कॉल की, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो टाइम लग जाएगा, शायद लेट हो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चला घर ही चलते हैं, कल या फिर से आ जाऊँगी दोबारा कॉल करके जब सर अवेलेबल होंगे। अभी मैं घर निकल रही हूँ एंड काम कुछ भी नहीं हुआ, गर्मी बहुत है, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन नहीं मिला तो आगे के जो काम थे वो सारे भी होल्ड पे चले गए। जब माइग्रेशन मिलेगा तो बाकी काम भी उसके बाद ही होंगे। तो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ घर। सो बाय बाय। यार गाय काफ़ी देर से बच्चे आगे, जिसकी माँ घूम गई अपनी माँ को बच्चे लगा दिए, तब से काफ़ी देर से परेशान हो रही है। आह आह मम्मी रोटी डाल दो, डाल दी है। क्या है, कहाँ जाना है अब इतनी दोपहर को? शाम को चल लेंगे। अभी अभी तो स्कूल से आया, कपड़े बदलते 1 बजे ही आ गया। स्कूल गया भी था या आज भी बंक पे था उस दिन की तरह? बंक पे था आज, खा कसम। बेटा इस बार इतना मारूंगी ना, मार मार के भूत बना दूंगी, ये बता दूं तेरे को मैं। स्कूल गया था? चल तेरे स्कूल पता करके आते। गया था या नहीं? खड़ा हो जा, चलते चल जल्दी चल। तो अभी हम आया भारत बुक डिपू, ये भाई साहब की किताबें लेनी 11th क्लास की। इसने ना नॉन मेडिकल लिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। नॉन मेडिकल लिया? झूठे। क्या लिया? आर्ट्स लिया। बता क्या करेगा बड़ा होके? अग्निवीर बनेगा। हाँ हाँ अग्निवीर। चलो इसकी बुक्स ले लेते हैं फटाफट। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, और क्या लेना है? हिस्ट्री की गाइड लेनी है, और पोल साइंस की भी गाइड होती है कोई? एमबीडी। इनके स्कूल में एमबीडी लगवाई होगी। हाँ ठीक है, नहीं है तो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, फिर नहीं लेनी है, न्यू एडिशन लेना है। रुक जाओ भाई, इंस्पेक्शन करेगा। देख पोल साइंस की भी चेक कर जल्दी। वी डिसाइडेड हम न्यू ही ले रहे हैं, सेकंड हैंड पहले ले रहे थे, बट डाउट हो रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन हो या ना हो, तो इसलिए मैंने इसको बोला नहीं ले रहे। अब ये आ गई है इसकी हिस्ट्री की, फिजिकल और कौन सी फिजिकल इंग्लिश हिस्ट्री की लेकर आ रही है। चल था ये गिर गया। गिर कैसे गया ये? हैं ये कैसे खड़े खड़े गिर गया? क्या हुआ, गोटे में लगी है? दिखा इतना ऐसे कैसे गिर गया चलते चलते? चल वे चल, बैठ कुछ नहीं हुआ, इतना वीक नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग बनता है, बैठ जा। कुछ नहीं, गिर तो गया पर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो लगती रहती है। गर्मी बहुत हो रही थी, मैं कहा चल शिकंजी पी लेते हैं। वैसे भाई साहब के पैर में चोट लग गई है, तो ओह गिरा मत ले, फटाफट पी। अब हम पियेंगे गर्मी में ठंडी ठंडी शिकंजी। ओहो बादल देखो कैसे काले काले हो गए। अब तो बारिश आएगी, मैं तो कह रही हूँ बाजार ही और बारिश आ जाए, मजा आ जाए। क्यों धीरज भीग के क्या जाना है ना? पापा का नाम लिखा है, जब तू अग्निवीर बन जाएगा फिर तेरा नाम लिखा जाएगा, शहीद धीरज चांदना। सीने पे गोली खाकर आएगा। आएगा देश के लिए गोली खाएगा? कहाँ पे खाएगा? सीने पे नहीं खाएगा, सीना इतना सारी जगह छन्नी छन्नी होकर आएगा। ओए होए, देख रहे हो ये हमारे देश के फ्यूचर। ये मरेगा या मारेगा? 10-15 हज़ार को मैं लेके जाऊँगा। 10-15 हज़ार को मार के मरेगा। तो जो ये बनाया गया मेजर योगेश गुप्ता का स्टैचू, इसमें आपने लिखा हुआ है सन 2002 में जम्मू कश्मीर में कोई मतलब आतंकवादियों के साथ लड़ाई हुई होगी। सुबह 4:30 बजे अंधेरे में उनकी पेट में गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपने बहते खून की परवाह किए बिना आगे बढ़े और 4 आतंकवादियों को मार दिया है। सल्यूट कर धीरज, सल्यूट कर जल्दी, सल्यूट कर। ऐसे करते ढंग से, तूने अग्निवीर बनना, ढंग से सल्यूट कर। आगे हाय हाय, एक बार सामने कैमरे के लिए सल्यूट कर दे एक बार। We all should salute। आंधी आने को हो गई, बादल काले तो हो ही रहे, आंधी आंधी से हवा से चलने लग गया। घर चले गए, धीरज उड़ गया। हम कहाँ से लाएंगे धीरज को? क्यों धीरज, क्यों धीरज, क्यों धीरज, क्यों धीरज? इससे आपने स्लैप वाला साउंड डाल। ओए बंद कर, 18 साल का हुआ नहीं है, चलाएगा एक्टिवा। तो एक्टिवा चलाएगा। आंधी आ रही, धीरज उड़ गया तू, पकड़ के रख धीरज। क्या हो गया, कहाँ लग गई चोट? यहाँ कैसे लग गई? कहाँ गिर गया था? दिखा उठा के। लगा क्या? लोहा। लोहा लगा? कैसे? खून निकल रहा है? ये क्या बंधा हुआ है यहाँ पे? कपड़ा बंध गया है? पट्टी। पट्टी तो नहीं है, कपड़ा रुमाल से बांध रखा है ऐसा लग रहा है। दिखा पहले मेरे को। अच्छा व्लॉग के बिना दिखा दे, व्लॉग के बिना दिखा दे। खा जल्दी फिर चलो हॉस्पिटल यार। अभी अभी मैंने देखा इसको इतनी ज्यादा लगी हुई ना यहाँ पे, और ऊपर कपड़ा बांधा हुआ। खड़ा हो जाओ, डॉक्टर बेचारे इंजेक्शन लगवाना है उसको। तो तेरे चक्कर में रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। चल जल्दी हॉस्पिटल। किसकी गलती है? नहीं खड़ा हो, ज्यादा ना मुंडी ना घुमा, मैं थप्पड़ मार के गाल लाल कर दूंगी। तेरे अच्छे के लिए बोलती हूँ मैं। चल खड़ा हो, डॉक्टर पे चल, खड़ा हो। तेरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ना एक्टिंग मत कर, ठीक है ना? खड़ा हो और डॉक्टर पे चल। कोई बड़ा बोल रहा है ना कुछ बड़ा, तो जब नहीं जाना है। जरा सी लगी, इतनी सी लगी। देख लिया मैंने कितनी लगी, अभी तुम दिखाया कैमरे में। दिखा दूं फिर गाइस डिसाइड कर लेंगे जाना चाहिए नहीं। या तो उतार पैंटर दिखा कैमरे में। खड़ा हो, इतनी सी लगी है बस, इतनी सी में भी जाना पड़ता है। चल इतनी चोट लगी, तेरा पजामा नहीं फटा या दूसरा पाया? बता, दूसरा पाया फट गया था। पता नहीं क्या करता, कर क्या रहा था? और कर क्या रहा था? जा रहा था एकदम पाया पकड़ा, वो जो रोडे लूटे उसको जाके। आय हाय, सरिया लग गया मतलब है। खड़ा हो डॉक्टर, खड़ा हो जा। धीरज एक्टिंग मत कर। पापा को बोल के ना गाड़ी में बवा दूंगी तेरे को, फिर ले जाने। नहीं खड़ा हो, अगर क्या ना मानता तो खड़ा हो। जब नहीं जा रही दीदी लगी है, जाना है तो जाना है। लोहा लगा है तो इंजेक्शन तो लगेगा। खड़ा लगेंगे, एक ही लगेगा। कुत्ते ने थोड़ी काटा, 14 इंजेक्शन लगेंगे। जो 7 लगते हैं। चल जो भी है, एक लगेगा आज तो। खड़ा हो चल। धीरज फिर से तेरी वजह से आज यहाँ आना पड़ गया। भाग मत, इधर आ जा, इंजेक्शन लगवाना है। धीरज से फिर से आना पड़ गया यहाँ। चल जल्दी अंदर चल, इंजेक्शन लगवाना है। ऐसे शक्ले मत दो ना, इंजेक्शन शूट करना। आपको पता नहीं, शूट तो नहीं करूँगी पर इंजेक्शन तो लगाना है ना। चांटा पड़ जाएगा, इतनी मुश्किल से यहाँ लाई हूँ। चल अंदर। धीरज ऐसे फिर से आना पड़ गया यहाँ। चल जल्दी अंदर चल, इंजेक्शन लगवाना है। ऐसे शक्ले मत दो ना, इंजेक्शन शूट करना। आपको पता नहीं, शूट तो नहीं करूँगी पर इंजेक्शन तो लगाना है ना। नहीं चांटा पड़ जाएगा, इतनी मुश्किल से यहाँ लाई हूँ। चल अंदर धीरज, चल। 15 मिनट लेटर। तो तू हमेशा चोटे ना खाया कर, तो मैं हमेशा इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी तेरे को। तेरे को हमेशा इंजेक्शन लगवाने लाना पड़ता है, मेरी गलती थोड़ी है उसमें। दर्द हो रहा है? कहाँ लगा बताइए। पीछे घूम के दिखाइए, पैंट उतार के दिखाइए। चलो से बैठ, चलते हैं एक्टिवा लेकर निकलते हैं। बोरी की शॉप पे आए, मैंने कहा इसको दवाई भी दिलवा देते हैं। चल भी कैसे लंगड़ा लंगड़ा के ला, आते ही नेवला बरस गया। तेरे पे कहाँ ला ला। राणा अंकल इसको पेन किलर दे दो, लोहा लग गया इसके। इंजेक्शन मैंने लगवा दिया है, बाकी इसको कोई दवाई दे दो खाने की। देखना हवा है। ऐसी हवा चलती है दिन रात, स्वाद है जीने का। दवाई ली है ना, उसको खा भी लियो। कहीं पड़ी रहे घर पे, समझ आ गई है? रोज डॉक्टर के चक्कर लगवाता रहता है। वैसे तेरी वजह से ना मुझे रोज हर आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आगे से दांत मत निकाल, मुझे कोई हंसी नहीं आ रही है इसमें, समझ आ गई है? ऊपर से मम्मी तेरी इतनी लापरवाह, कह रही अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसमें सेप्टिक हो ना पता लगेगा। कहने नहीं थी पिछली बार जब चोट लगी थी। मौसम देखो कितना औसम हो रहा है, साथ में बारिश भी आ रही है। और धीरज भी आ गया, कह रहा चलो दीदी बारिश में नहाते हैं। मैं कहा चल भाई, चल भाई। और अभी हम ऊपर आ गए। बारिश खासी तेज नहीं आ रही है, अगर तेज आए तो मजा भी आएगा। बट लग रहा है कि थोड़ी देर में तेज हो जाएगी। बादलों को देख के तो लग रहा है, पर कई बार जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो गरज तो नहीं रहे, आई होप बरस ही जाए। तो देखो पहले तो बादल कितने घने हो रहे थे, और अब मौसम ऑलमोस्ट साफ हो गया। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं कहीं नहीं चल रही। और शिवम भी आ गया, ये तो सवेरे से हमारे घर ही। आज जब से इसमें आज इसको चोट लग गई, पता है? पता नहीं कहीं था इस पर लोहा लूहा लगवाया है, फिर इंजेक्शन लगे। वो लोग तो बनाना ही था, इंजेक्शन लगते हैं। लोगों को पता था इसको इतने इंजेक्शन लगते हैं बेचारे को। हाँ सच में, मजाक नहीं, सीरियस। लोहा लग गया। क्या कौन सा लोहा लगा था? सरिया सुरिया लग गया था पट में। हैं? कैसे लग गया? हाँ लग गया छोड़। अब मेन ये है कि इसको सरिया लगा और उसके बाद इसके इंजेक्शन लगा। देखिए इंजेक्शन कहाँ लगा? दर्द हो रहा है अभी भी? यहाँ लगा इंजेक्शन? यहाँ लगी थी तो। इंजेक्शन यहाँ लगी थी ना चोट, तो इंजेक्शन उधर लगा था। झूठ, तेरे को यही नहीं पता तेरा इंजेक्शन किधर लगा? तेरे दर्द से तो पता लग रहा होगा ना किधर लगा है। दर्द कहाँ हो रहा है? अच्छा मैंने कहा कहीं दो लगाए। चल झूठ देख ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आँख है ना मार, मेरे ब्लॉग में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उधर ही लगा एक इंजेक्शन। झूठ से इधर ना मारो। अब इधर क्या हो गया? कान में दर्द हो। हाँ तेरे कान में भी दर्द है। कान में क्यों हो रहा है दर्द? देख ले, कल तक ठीक नहीं होता तो दवाई ले आएंगे, ठीक है? आज स्कूल गया था शिवम? क्यों ये क्या बात है? उठाई लेट उठा। आजकल के बच्चे 7:30 बजे सो के उठ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम अपने टाइम में एक छुट्टी नहीं मारा करते थे और तुम सो के ही नहीं उठते हो। रहने दे। कमेंट में मुझे कोई बोल रहा था शिवम के चैनल का लिंक बता दो। लिंक क्या भाई? नाम बता दो अपने चैनल का। शिवम राजपूत ब्लॉग्स के नाम से है। बाकी शक्ल आपने देख ही ली है। टाइटल ना थंबनेल पे आपको ये फोटो नजर आएगी चमकती हुई। तो हाँ मेरे को किसी ने कमेंट में पूछा था शिवम के चैनल का लिंक। हाँ जी आपके चैनल का लिंक क्या है? शिवानी ऑन फ्लीक। तू कौन है? तू मैनेजर है मेरा? छोटी शिवानी? कहाँ से छोटी शिवानी है तू? छोटी शिवानी कैसे है तू? पहली बात तो मैं लड़की हूँ, तू लड़की है। हाँ फिर किस वे में तू शिवानी है? अच्छा जब मैं ट्यूशन के लिए लेट आती थी तू बच्चों को पढ़ाता था? कितना नंबर आया 10वीं में? पढ़ाता था वो मैं डिस्टर्ब हो जाता ना बच्चों। डिस्टर्ब बोलो, डिस्टर्ब। आज ट्यूशन पे क्या पढ़ के आया? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आया? बस ये बता दे, मैं मान जाऊंगी। हिस्ट्री में क्या पढ़ा है? 2 क्वेश्चन करे हम। नहीं टॉपिक क्या था उस क्वेश्चन का? उदारवादी, मैक्सिको, फलाना डिमकाना। मेरे को नहीं पता ना, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तू बता। रोम का था। रोम का था। दूसरा क्वेश्चन? दूसरा भी हिस्ट्री था। रोम का। इंग्लिश में क्या टॉपिक किया? इंग्लिश में मैंने समरी। किस चैप्टर की? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बस 2 सब्जेक्ट पढ़ के आया। टेस्ट दिया था? किस चीज का? किस चीज का? रन करके लिखा था। चीटिंग करी होगी पक्का, पूछूंगी मैडम से। तो अंधेरा होने वाला है, हवा से चल रही है, नीचे जाने का मन तो कर नहीं रहा है। पर आई थिंक इस ब्लॉग को इतना ही रख लेते हैं। आप कुछ खास है नहीं शूट करने के लिए। कहो तो इसको चाटा लगा देती है। प्यारा है जो भी है, टेढ़ा है पर हमारा खुद का है ना। तो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। धीरज के इंजेक्शन तो लगी गए हैं। हो सकता है कल परसों नर्सों रोज रोज इसके इंजेक्शन नहीं लगे, क्योंकि हर कदम तो चोटें ही खाने वाली होती है। क्या मोर की शेप लगी है ना? बादल मोर की शेप तो लग रही है मुझे, तो लग रहा है मोर की शेप तो लग रही है, कोई मोर की तो नहीं लग रही यार। ये ना अपनी इमेजिनेशन होती है, जो हम क्लाउड्स देखते हैं ना जैसे देख रहे हैं, इसको मोर की शेप का लग रहा है। मतलब अपनी इमेजिनेशन होती है, क्लाउड में आप जो इमेजिन करते हो आपको वही दिखाई देता है। इसलिए मुझे भी लग रहा है मोर तो लग रहा है, मुझे कुछ और लग रहा है। मैं एग्जैक्ट वो भी कैच नहीं कर पा रही थी क्या लग रहा है। अच्छी तो नहीं, मतलब मैं कैच नहीं कर पा रही क्या लग रहा है। अपनी अपनी इमेजिनेशन है, कोई बात नहीं। हम अपनी इमेजिनेशन कंटिन्यू रखते हैं, आपको बोर नहीं करते। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ यू गॉट द नोटिफिकेशन। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।